नमस्कार बहुत स्वागत है आपका पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहते हैं पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा को बहुत प्रिय है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है देखिए पौष माह जो है सूर्य देव का माह कहलाता है और इस महीने में सूर्य देव की उपासना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का देव को अर्घ्य देने का और दान करने का परंपरा है अब सूर्य और चंद्रमा दोनों का यहाँ पर देखिए अद्भुत संयोग संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को होता है और इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है हर बाधाएं समाप्त होती है पूर्णिमा के दिन अगर गरीबों को चावल का दान किया जाए तो चंद्रमा अशुभ प्रभाव जो दे रहा है वो शुभ हो जाता है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो तो इस दिन आप चावल दान कर सकते हैं या थोड़ा सा चावल दूध पवित्र नदी सरोवर में बहा दें तो आपका चंद्रमा उत्तम फल देने लगता है इस दिन पूर्णिमा पर मांस मदिरा खाना वर्जित है क्योंकि यह महापाप की श्रेणी में आता है सबसे पहला तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा आपको एक कार्य करना है चावल को आधा एक घंटा तक भिगो लें पानी में उसके बाद इस चावल को पीस कर पेस्ट बना लें इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाइए जैसे कि स्वस्तिक है इसका निशान बनाइए आप चौखट में ऊपर बीचों बीच भी बना सकते हैं और दोनों तरफ भी बना सकते हैं लेकिन इस स्वस्तिक के निशान के दोनों तरफ दो खड़ी रेखाएँ ज़रूर डालिएगा दूसरा उपाय है कि आप इस दिन जल में एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव जरूर करें क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा आती रहती है एक खास उपाय देखिए पूर्णिमा के दिन आप ये प्रयोग वैसे तो दिन में भी कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में लेकिन रात में कर लें तो अच्छा है आप लाल कपड़े में थोड़ा सा हल्दी मिले हुए चावल रखें थोड़ा सा चावल का मतलब इक्कीस दाने चावल ट्वेंटी वन दाना ध्यान बस ये रखना है कि चावल के सभी दाने पूरी तरह से अखंडित हो यानी टूटे फूटे हुए ना हो अब आप चूँकि ये जो आपने चावल लिया है लाल कपड़े में इसको आप बांध लें और लाल कपड़े में जो 21 पीले चावल के दाने बांधने के बाद माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें अब ये चावल भी माँ के सामने रखें और बाद में इसको उठाकर अपने पर्स में रख लें ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा बरसती है और जीवन में धन की मुश्किलें परेशान नहीं करती आम के पत्तों का बंधनवार अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाइएगा क्योंकि इस दिन जितना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जाएँ घर आएंगी उतना ही अच्छा है आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रस्सी के सहारे बांध कर या डोरी के सहारे आप इसको घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से लटका दें आप चाहें तो फूलों से भी घर को सजा सकते हैं और इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक अंदर दाहिनी तरफ आप घर से बाहर निकलेंगे तो दाहिना हाथ की तरफ एक पात्र में पानी रख लें उसमें थोड़ा सा फूलों की पंखुरी रख दें और इसको रहने दें अगले दिन सुबह इसको उठाकर पौधे में डाल दीजिएगा इससे जो भी निगेटिविटी है यह पानी सोख लेगा और जो फूलों की पंखुरी है ये खुशबू भी बढ़ाएगा और सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाएगा ये तो थी सिंपल से प्रयोग जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा अब एक ख़ास बात घर के मुख्य दरवाजे पर जब आप बंधन बार लगाएंगे तो आम या असे के पत्तों का ही लगाइएगा और पुराना बंधनवार हटा दीजिएगा जो आपने एकादशी तिथि पर लगाया था क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन नया बंधनवार लगाया जाएगा और साथ ही साथ घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाने के साथ आप एक बर्तन में थोड़ा सा जल भरें उसमें आप चाहें तो मिट्टी का पात्र या लोटा वगैरह ले सकते हैं कटोरा भी ले सकते हैं गड्ढा बर्तन हो जल भर कर उसमें फूलों की पंखुड़ी रख कर अपने घर के अंदर मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका दाहिना हाथ जो होगा उस तरफ ये पात्र रखने और अगले दिन किसी पौधे में डाल दीजिएगा घर की तमाम परेशानियों को हटा देगा सोख लेगा निगेटिविटी को दूर करेगा चूँकि ज्योतिष में चावल को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है और चावल अगर आप अपने माथे पर पूजा करके या घर के सभी लोगों के कुमकुम या रोली लगाकर तिलक कर लें और फिर उसके ऊपर चावल चिपका दें तो आपका कुंडली का चंद्रमा भी बेहतर होता है और जीवन में धीरे धीरे समस्याएं समाप्त होने लगती है तो ये प्रयोग भी आप इस दिन से लगातार कुछ दिनों तक करें वैसे लाइफ टाइम भी कर सकते हैं अब धन प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे जीवन में मुश्किलें ज़्यादा है परेशानियाँ ज़्यादा है आप चाहते हैं कि धन भी आए टिके भी घर की दरिद्रता दूर हो जाए नकारात्मक ऊर्जाएँ चली जाए इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चावल थोड़ा सा मतलब आप ग्यारह दाने भी ले सकते हैं या एक चुटकी ले सकते हैं एक मुट्ठी भी ले सकते हैं और इस चावल को हल्दी से कलर कर लें और इसको लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें माँ को अर्पित करने के बाद धन बढ़ता जाएगा बहुत सिंपल सा प्रयोग है लेकिन जब आप हल्दी यानी गुरु और चावल यानि चंद्रमा दोनों का मिलन हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर राजयोग बनेगा और ये राजयोग आपके जीवन में हर जो समस्याएं हैं परेशानियाँ हैं उसको दूर करेगा बहुत सिंपल है पर करिएगा ज़रूर क्योंकि देखिए चावल के बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं लेकिन अगर कुछ खास दिनों में चावल के प्रयोग किए जाएं तो वो अद्भुत परिणाम देते हैं और इस बार की जो पूर्णिमा है वो चूँकि बहुत ही दुर्लभ शुभ योगों में आ रही है तो चावल का छोटा छोटा प्रयोग करके जीवन की मुश्किलों से बचा जा सकता है बाहर निकला जा सकता है एक छोटा सा काम करें आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चावल और इसके साथ ही एक लोटा जल अब इसको लेकर सुबह सुबह आप शिव जी के मंदिर में चले जाएं। अब पूर्णिमा की तिथि को शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए और एक मुट्ठी चावल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। फिर अपने जीवन की समस्या को बोलिए लेकिन चावल को पहले से ही चुनकर रख लीजिएगा टूटा फुटावा ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा और जब आप शिवलिंग पर चावल अर्पित कर देते हैं तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती है अगर आप ज़्यादा अर्पित करना चाहते हैं तो लेकर तो जाइए एक सवा किलो ले जा सकते हैं लेकिन चढ़ाना एक ही मुठ्ठी है बाकी का वही मंदिर में छोड़ दें या फिर किसी गरीब को दे दें लेकिन चावल को आपको बिनना है चुनना है क्योंकि टूटा फूटा हुआ एक भी दाना रह गया तो फिर आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा अब कई बार क्या होता है नौकरी में रोजगार में बहुत समस्या आती है मुश्किलें बहुत है आप परेशान हैं सफलता नहीं मिल पा रही तब जब आप चूँकि इस पूर्णिमा के दिन खीर बनाया जाता है तो खीर बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा आप कौओं को भी दीजिएगा इससे क्या होता है आपके जीवन की जो शनि संबंधी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती है तो ये प्रयोग आप सिंपल तरीके से कर लें तो आपके जीवन में धन की स्थिरता होगी शनिदेव की कृपा बरसेगी बहुत सिंपल है लेकिन अब हम एक और बात बताएंगे देखिए कई बार क्या होता है बनते बनते कार्य रुक जाते हैं सफलता ही नहीं मिलती और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप शुभ मुहूर्त में या पूर्णिमा के दिन आप एक छोटा सा काम कर लें तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है और कुंडली में जो चंद्रमा बैठा है वो भी शुभ फल देने लगता है अगर चंद्रमा अशुभ फल दे जीवन में परेशानियां ज़्यादा हो तब आप एक मुट्ठी चावल अपनी माँ के हाथों से ले लें और अपने पास संभाल कर रखें चंद्रमा चूँकि माँ जो है वो चंद्रमा के कारक है यानी अगर आपके माँ के साथ रिश्ते बेहतर रहते हैं तो चंद्रमा भी अच्छा फल देने लगता है तो चंद्रमा को बेहतर करने के लिए माँ से एक मुट्ठी चावल लें और वो भी चावल टूटा फूटा हुआ नहीं होगा और इस चावल को आप संभाल के रखें करीब एक साल तक रह जाएगा चावल नहीं तो आप फिर अगले साल इसी पूर्णिमा के दिन इसको फिर से आप पिछले वाला चावल किसी नदी तालाब में डाल दीजिएगा और फ्रेश ले लीजिएगा माँ के हाथों से अगर आप चाहते हैं कि धन की बरकत होती रहे मुश्किलें कभी परेशान ना करें तो एक सिंपल सा काम करें आपको चाहिए होगा चावल और ये चावल के साथ आपको चाहिए दूरवा घास ज़्यादा नहीं एक दो ले लीजिएगा एक लाल कपड़ा एक मिट्टी की छोटी सी बर्तन चाहिए मिट्टी का वैसे अगर नहीं है तो आप घर में जो आपका दीपक है मिट्टी का दिया नया वाला एक बड़ा सा देख के उसी में ले लें और एक क्वाइन चाहिए अब माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं उस समय इस चावल को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें या वहीं पर रखें और फिर ओम श्रृं श्रेया नमः ओम श्रृं श्रेया नमह का मंत्र बोलते हुए इस मिट्टी के पात्र में चावल डाल दें उसमें दुर्वा घास और सिक्का भी डाल दें मुख पर लाल कपड़ा लाल कलाबे से बांध दें अब इसको उठाकर आप छोटा सा पात्र लेना है ज्यादा बड़ा नहीं लेना आप इसको अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और इसको आप अगले साल इसी दिन इसी पूर्णिमा को चेंज कीजिएगा पिछला वाला आप किसी भी नदी तालाब में डाल दीजिएगा और फ्रेश भर लीजिएगा आप चाहें तो उसी मिट्टी का पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बहुत सिंपल प्रयोग है लेकिन इस प्रयोग को करने से खुशियाँ भी आती है धन भी आता है सुकून भी आता है एक बात हमेशा याद रखें जब भी आप पूजा पाठ करते हैं आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं जब भी आप चावल अर्पित करते हैं तो चावल सादा मत अर्पित कीजिए जब भी अर्पित कीजिए चावल में आप हल्दी पाउडर थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के लगा कर दें या फिर कुमकुम लगा कर ही अर्पित करें तो इसके आपको पूरा फल मिलता है बहुत सिंपल है और जब आप दीपक जलाते हैं घर में पूजा पाठ करते समय तो दीपक के नीचे भी आप चावल एक चुटकी रख कर ही उस पर दीपक रखें तो पूजा का पूरा फल भी आपको मिलेगा अगर कर्जों से परेशान है तो इस पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें एक लोटा जल ले लें जल में एक चुटकी चावल का आटा आप चाहें तो पीस सकते हैं घर में उसको भिगो कर भी पीस सकते हैं और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें अब इस लोटे को घर से ही जल भरकर लेके जाना है ले जाकर किसी भी बट वृक्ष जिसको हम बरगद का पौधा कहते हैं उसके नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दें तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से, से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें